बच्चों, तुमने सुना होगा जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इसी बात को सच करती हुई एक नाटिका पढ़ते हैं, करनी का फल। पात्र नेकी राम और बदी राम, दो मित्र। न्यायाधीश बदी राम का पिता, बूढ़ा व्यक्ति। सिपाही। पहला दृश्य, घर का आंगन। नेकी राम और बदीराम आंगन में चारपाई पर बैठे बातें कर रहे हैं। सूत्रधार, नेकीराम ईमानदार और सच्चा इंसान है, जबकि बदीराम एक नंबर का कपटी और चोर है। बदीराम परेशान सा, मैं तो इस जीवन से तंग आ गया हूँ। धन संपत्ति कुछ है नहीं, रोजमर्रा की जरूरतें तक पूरी करना कठिन हो गया है। नेकीराम, हाँ दोस्त, लेकिन धन संपत्ति आएगी कहाँ से? सच्चाई और ईमानदारी से जो कमाते हैं, हमें उसी में संतोष करना चाहिए। बदीराम, तुम समझते नहीं हो, अगर हम इस गांव में ही पड़े रहेंगे तो कुछ ना कर सकेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हमें राजधानी चलकर कुछ काम धंधा करना चाहिए। बोलो, चलोगे मेरे साथ? नेकीराम, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। सूत्रधार, दोनों मित्र इधर उधर से कुछ पैसा जमा करके राजधानी चले जाते हैं। नेकीराम की मेहनत, ईमानदारी और प्रभाव से दोनों मिलकर अच्छा खासा धन जमा करके गांव की ओर लौटते हैं। दूसरा दृश्य, दोनों मित्र बातें करते आ रहे हैं। बदीराम खुश होता हुआ, देखा मित्र, हमने एक ही वर्ष में कितना धन कमा लिया है। हमारे घर वाले बेचारे धन के अभाव में कष्ट झेल रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अब उनके कष्ट जल्दी ही दूर हो जाएंगे। आखिर दुख के बाद ही तो सुख आता है। नेकीराम, हाँ भैया, अब तो घर वालों से मिलने के लिए मन बेचैन हो रहा है। सामने इशारा करते हुए, वो देखो बस, अब हम गांव के पास पहुँचे ही समझो। बदीराम मन ही मन योजना बनाता है। नेकीराम, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मुझे लगता है कि सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुटुंब वाले उधार मांगने लगेंगे और लौटाएंगे भी नहीं। बच्चे और पत्नी भी अनाप शनाप खर्च करने लगेंगे। इसलिए ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा धन घर ले चलते हैं और शेष यहीं गांव से बाहर एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा देते हैं। क्यों? नेकीराम, हाँ यह ठीक रहेगा, चलो इस पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर अपना धन दबा देते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा रोककर दोनों सारा धन पेड़ के नीचे गाड़ते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सूत्रधार, कपटी बदीराम उसी रात लौटकर गड्ढे में से सारा धन निकालकर ले जाता है और गड्ढे को उसी तरह बंद कर देता है। अगले दिन दोपहर बाद नेकीराम उसके पास आता है। नेकीराम, बदीराम, परिवार सब कुशल तो है? बदीराम, हाँ सब ठीक है, कैसे आना हुआ? नेकीराम, ऐसा है भैया, मेरा परिवार तो बड़े कष्ट में है। सेठ का कर्जा भी चुकाना था, मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। चलो हम थोड़ा थोड़ा धन और निकाल लाते हैं। बदीराम भोलेपन से, हाँ हाँ मित्र, क्यों नहीं, आखिर परिवार के लिए ही तो धन कमा कर लाए हैं। दोनों गांव से बाहर जाकर पेड़ के नीचे वही गड्ढा खोदते हैं। खाली गड्ढा देखकर नेकीराम हैरान रह जाता है। बदीराम ढोंग करते हुए, हाय हाय, मैं तो लुट गया, मेरे साथ धोखा हुआ है। नेकीराम, तुम्हें धन की जरूरत थी इसलिए तुम पहले ही सारा धन निकाल ले गए, तुमने धोखा किया है। नेकीराम हैरान होते हुए, क्या कहते हो बदीराम, मैं खुद हैरान हूँ कि धन यहाँ से कहाँ गया, मैं तो यहाँ आया भी नहीं, मैं सच कहता हूँ। बदीराम, अरे तुम्हारे अलावा किसी और को तो यह भेद मालूम ही नहीं था, तुम ही ने यह धन चुराया है। चुपचाप तुम मेरा हिस्सा मुझे दे दो, नहीं तो मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा। नेकीराम, वाह भाई वाह, तुमने खूब कही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
धन तुमने निकाला और आधा हिस्सा मुझसे मांग रहे हो। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, तुम जानते हो, ना ही मैंने बेईमानी सीखी है। मैं छल कपट भी नहीं जानता। तुम्हारी नीयत में खोट आ गया है। सारा धन चुराकर अब ईमानदार बनने का ढोंग कर रहे हो। बदीराम नकली गुस्से में, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं नेकी राम, मैं न्यायालय जाऊंगा। गुस्से में बड़बड़ाता चला जाता। तीसरा दृश्य, न्यायाधीश का कमरा। न्यायाधीश बैठे हैं, एक ओर नेकीराम और दूसरी ओर बदीराम खड़ा है। न्यायाधीश, मुकदमा पेश किया जाए। बदीराम, श्रीमान इस व्यक्ति ने मेरे साथ धोखा किया है, इसने हमारी मेहनत से कमाया धन चुरा लिया है। नेकीराम, श्रीमान हमने अपना धन पेड़ के नीचे एक गड्ढे में गाड़ा था, गड्ढे में से धन कौन ले गया मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने धन नहीं चुराया है। न्यायाधीश, क्या तुम्हारा कोई गवाह है? नेकीराम, श्रीमान गांव से बाहर उस समय हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, मैं गवाह कहां से लाऊं? बदीराम, एक गवाह है श्रीमान, वह वृक्ष देवता जिसके नीचे हमने धन गाड़ा था, वृक्ष देवता सब सच बता देंगे। न्यायाधीश, ठीक है, कल वृक्ष देवता के पास चलकर ही पूछेंगे। चौथा दृश्य, गांव से बाहर पीपल का बड़ा वृक्ष। नेकीराम, बदीराम सिपाही और न्यायाधीश खड़े हैं। न्यायाधीश, क्या यही वह वृक्ष है जिसके नीचे तुमने धन गाड़ा था? दोनों मित्र, यही वृक्ष है श्रीमान, वह देखिए सामने गड्ढा। न्यायाधीश, हे वृक्ष देवता, क्या इन दोनों ने आपकी छाया में गड्ढा खोदकर धन गाड़ा था? वृक्ष की आवाज, हाँ महाशय, दोनों ने यहाँ धन गाड़ा था। न्यायाधीश, वृक्ष देवता, वह धन अब यहाँ नहीं है, क्या आप जानते हैं कि वह धन कौन निकाल ले गया? वृक्ष की आवाज, हाँ जानता भी हूँ, पहचानता भी हूँ, यह नेकीराम कल रात यहाँ आया था और सारा धन निकाल कर ले गया। नेकीराम चौंकता है, उसे वृक्ष की आवाज जानी पहचानी लगती है। बदीराम चिल्लाते हुए, देखा देखा, मैं कहता था ना कि धन नेकीराम ने ही चुराया है, वृक्ष देवता ने इसे स्वयं धन चुराते हुए देखा है। न्यायाधीश, वृक्ष की गवाही से तो यही साबित होता है कि नेकीराम ने ही चोरी की है। नेकीराम तुम क्या कहते हो? नेकीराम, श्रीमान मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैंने चोरी नहीं की, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, किंतु मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने बचाव का कोई उपाय करने का मुझे कुछ समय दें। नेकीराम जल्दी जल्दी आसपास पड़ी घास फूस और सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करता है तथा उन्हें पेड़ की कोटर में डालकर आग लगा देता है। न्यायाधीश, यह क्या कर रहे हो नेकीराम? बदीराम डरते हुए, यह पागल हो गया है, इसे रोकिए श्रीमान। बूढ़ा आदमी आधा जला हुआ कोटर से बाहर निकलते हुए, आग आग, बचाओ बचाओ, मैं जल गया, मैं मरा। बदीराम दौड़कर बूढ़े को पकड़ता है। न्यायाधीश हैरानी से, यह सब क्या है, तुम कौन हो, इस पेड़ में क्या कर रहे थे? बूढ़ा हाथ जोड़कर रोते हुए, मुझे क्षमा करें श्रीमान, मुझे बचा लें, मैं इस दुष्ट बदीराम का पिता हूँ, इसने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, मैंने इसके बहकावे में आकर इस दुष्कर्म में इसका साथ दिया, मैं दोषी हूँ। सच तो यह है कि बदीराम ही कल रात सारा धन निकाल कर ले गया था। बदीराम का सिर झुक जाता है। न्यायाधीश, मामला बिल्कुल साफ है, बदीराम चोरी तुमने की और सजा अपने निर्दोष मित्र को दिलवाना चाहते थे, तुम्हें 10 वर्ष कठोर कारावास का दंड दिया जाता है और आदेश दिया जाता है कि चुराया हुआ सारा धन नेकी राम को लौटाया जाए। जहाँ तक तुम्हारे बूढ़े पिता का सवाल है, उन्हें अपनी करनी का फल मिल गया है। सिपाही बदीराम को हथकड़ी लगाते हैं।